अरे सर आप लोग इधर करें, क्वेश्चन आंसर करेगा, निकाले बूम। अरे वो कुछ तो बोलेगा ना, कुछ करेगा ना प्ले। देखेंगे कि जो मामूली मामूली असावधानियां हम हमारी जिंदगी में करते हैं वो कितने हानिकारक और घातक होती है, और जो रोड सेफ्टी के रूल्स हैं अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हमारा जीवन कितना सरल और सफल हो सकता है। तो लीजिए, स्मिता पाटिल स्टील थिएटर प्रस्तुत करता है आशीर्वाद की ओर से नुक्कड़ नाटक रोड सेफ्टी। जिम्मेदारी नहीं लेते, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, जो काम करना है वो नहीं करते, दूसरे काम करके आते, बिल्कुल पता नहीं। अरे विशाल, अभिषेक, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या इधर ही, तुम लोगों ने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी शादी की जिम्मेदारी की अपनी बहन की, ऐसे करते हैं काम कोई? अरे जो लिया वो किया, डीजे का काम मैंने कर दिया, डीजे का काम कर दिया, ये तो तूने पूरा तेरा अपना काम किया डीजे का, डीजे विजे पैसा नहीं करता करता है मुझे, मैंने किया ना, क्या किया आपने, मैंने किया पेंटिंग का काम कर दिया, मैंने बार इधर बार तूने पीना कब से शुरू, मेरी बेटी की शादी में शराब और आपका सेवन नहीं होगा, समझ गया, दोस्त है ना, आ रहे दोस्त आ रहे तो, अरे पार्टियों का, अरे पहले एक बात बताओ, पहले एक बात बताओ, इन्विटेशन का क्या हुआ, इन्विटेशन छपे, अरे यार क्या पापा मॉडर्न जमाने की बात करो ना, इन्विटेशन यार? मेरे पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हाइक है, ये आपके पास क्या है, मेरे पास मोबाइल, हाँ तो क्या करोगे, नहीं है मेरे मोबाइल से भेजेगा सबको, मतलब फोन से मैं सबको भेज दूंगा, वो आ जाएंगे, देखिए बेशर्मों को सुनिए, रिश्तेदारों को बेटी का शादी का बेटा व्हाट्सएप पे भेजेंगे, अरे संस्कृति, जब से ये मोबाइल आया है हमारी संस्कृति खत्म हो गई, आदमी के पास मोबाइल से हटकर काम करने के लिए बात जरूरी यही नहीं है, तेरी शादी होगी ना तो तेरी शादी का ही नहीं होता, मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगा लोगों को, अभी जाओ इनविटेशन कार्ड लेकर आओ, ठीक है चलते हैं, और जल्दी जाना और संभल कर जाना, हम बाइक लेते हैं, यू गए यू आए चले, हेलमेट तो ले ले पहले, अरे हेलमेट कौन लेता है, इससे चलो, नहीं 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 तू हेलमेट ले पहले, बिना हेलमेट का गाड़ी चलाएगा, एक बात बताओ क्या, आप कहाँ जाते हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस जाते हो,
अब मैं कहाँ जाता हूँ? राहुल तू कॉलेज जाता है और कहाँ जाता है? कॉलेज जाता हूँ। कॉलेज में कौन होती है? कौन होती है? लड़कियाँ। अरे हेयर स्टाइल खराब नहीं होगा क्या? अरे हेयर स्टाइल रखने के लिए कम से कम खोपड़ी तो होनी चाहिए। अरे भैया अच्छे से चलाना एकदम। ठीक है सुहाना। अरे भैया रुको रुको रुको, ये जमाना कौन सा है? 4G का जमाना, 4G का जमाना है। और 2G की स्पीड में गाड़ी चला रहे हो? हाँ पुत्र मैं चलाऊंगा। उतरो उतरो। ठीक है चला जा। अब बैठो सही से। चलो जिंदगी एक सफर है सुहाना। शनिवार का मैं ब्लू पैंट पहनता हूँ। तो क्या मैंने कल काली जींस पहनी थी ना? मतलब अरे तो लाइसेंस काली जींस में रहेगी और काली जींस घर पे है तो मैं क्या तेरे घर जाऊँ? हाँ चलो चलो चलो। यहाँ मजाक करता है वो? क्या है वो? लाल। लाल का मतलब? लाल का मतलब दिल। ये किसके लिए? मुझे क्या पता, ये तुम्हारे लिए तो है। अपना तेरे पास लाइसेंस है और गाड़ी तेरी ओवर स्पीड है, ठीक है, और तेरे पास हेलमेट भी नहीं है। तेरा कुल मिला के 2500 का चालान हो गया। चालान ला 2500। 2500 दे दो। कौन से 2500? और मैं क्या कहूँ, तू गाड़ी तू चला रहा, पैसे मैं तू चल। अरे तो गाड़ी मैं चला रहा था, गाड़ी तो भैया की है। 2500 दे दो। अबे 2500 गाड़ी मेरी है, चला तू रहा था, मैं कैसे दूँ? चल चला था, गाड़ी तू ही देगा, कुछ जुगाड़ हो जाएगा। जुगाड़ रिश्वत देता है पुलिस वाले को? रिश्वत देने का जुर्म में अंदर करवा दूंगा तुझे। भैया अब बड़े भैया 2500 दे दो ना। तेरे को कितनी बार समझाया, आते वक्त बोल रहा था मत चला तेज, मत चला तेज। एक तो तेरे पास हेलमेट नहीं है, अरे लगा दिया ना फटका। ये लो साहब, और 2-3 लापा भी लगाओ। जरा ये जो ट्रैफिक सिग्नल है ना, तुम्हारे लिए ही है। लाउड ये जो ट्रैफिक सिग्नल है ना, तुम्हारे लिए ही है। तुम अपनी उम्र से पहले गाड़ी चलाते हो, इससे कितना नुकसान होता है पता तुम्हें? आगे से ध्यान रहे। हेलो चाबी जाओ, आ जाओ, ये ऐसे ही करते रहते। चलो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, भैया अरे फोटो क्यों निकाल रहा भाई? एम्बुलेंस बुला ले भैया। एम्बुलेंस? अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ भैया। भैया तो इस तरह हमारा एक्सीडेंट हो गया। ओहो, आपका भैया देखो कोमा में, और उसके खर्चे में कम से कम 4 लाख रुपए लगेंगे। आप कहीं से 4 लाख रुपए का इंतजाम करवा दीजिए, हम उसको ठीक करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। 4 लाख? हाँ, जल्दी से जल्दी इंतजाम कर दीजिए। बेटी की शादी के लिए जो पैसे रखे थे शादी नहीं हो पाएगी। मेरे पास दो ही विकल्प है, या तो मैं बेटी की शादी कर सकता हूँ या बेटी की जान बचा सकता हूँ। जाओ पैसे जमा कराओ। तो देखा आपने, मेरी एक छोटी सी गलती के कारण
मेरा पूरा परिवार सड़क पे आ गया। मेरी बहन की शादी के लिए जो पैसे रखे थे वो भैया के इलाज के लिए चले गए। इसलिए मैं ये वादा करता हूँ और आप सबसे भी ये वादा चाहता हूँ कि बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चलाएंगे। हम ट्रैफिक के रूल फॉलो करेंगे। बिल्कुल, और जब भी गाड़ी चलाएं ईयरफोन अपने कान में ना लगाएं और ना ही फोन का इस्तेमाल करें। और पुलिस को बिना वजह रिश्वत देने की कोशिश ना करें। पुलिस को रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों जुर्म है। और एक बाइक, और जब बाइक चलाएं तो हेडफोन का प्रयोग ना करें, हेलमेट बराबर पहने, ओवर स्पीड ना करें, रॉन्ग साइड ना जाए, जंप ना करें। आइए हमारे साथ शपथ लीजिए कि मैं गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल करूंगा, हेडफोन और मोबाइल फोन पर बात नहीं करूंगा, गाड़ी को कभी भी ओवर स्पीड पे नहीं ले जाऊंगा, ट्रैफिक के रूल फॉलो करूंगा, क्योंकि हमारा मानना है चलाओ ना स्पीड से यान रे, चलाओ ना स्पीड से यान रे, चलाओ ना स्पीड से यान रे, कहीं निकल ना जाए, तुम्हारी बॉडी से प्राण रे। ट्रैफिक के रूल फॉलो करो, ओ जीवन आसान रे, पब्लिक से ले ले, जीवन आसान रे, निकाल लो बूम फटा। अच्छा, पहले तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि ठंडी का मौसम में तिरगु गया गोड़ गोड़ बोला जो होता है, मकर संक्रांति के मैं सबको एडवांस में अभिनंदन देना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह अपन तिरगु खा के मुँह मीठा करते हैं दिन अच्छा जाता है, उसी तरह आप रोज़ जब घर से निकलोगे तब हेलमेट पहना करो और अपना खुद का सर सेफ्टी रखो ताकि कुछ अपघात हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया तो आपका सीट सलामत रह जाए। और सीट सलामत तो पगड़ी 50 होते हैं कहते हैं, तो ऐसा वो हेलमेट की जगह आपका शादी का भी पगड़ी आ सकता है, बेटी के ब्याह के वक्त आपके सर पे पगड़ी आ सकता है। इसे सर को संभालो तो आपकी आपका लाइफ अच्छा हो जाएगा और पूरा सेफ्टी लाइफ बनेगा, आपके फैमिली सब सेफ्टी रहेंगे क्योंकि आप कमाते हो उससे आपका पूरा फैमिली चलता है और आपका पूरा बॉम्बे सेफ्टी हो जाएगा, पूरा पब्लिक सेफ रहेंगे तो हमें भी सब अच्छा गिरेगा। और कुछ भाई सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर, अच्छा कोई इनिशिएटिव लिया गया है इतना ही करना, जो आपका स्पीड वो कम होना चाहिए और ज़्यादा करा अभी ऑफेंस वही लड़के कर रहे जो अभी स्कूल में 16 साल 17 साल के जो उम्र के लड़के हैं ना वो ज़्यादा करके ऑफेंस करके विदाउट लाइसेंस गाड़ी चलाना, जोर से गाड़ी चलाना, रॉन्ग साइड ड्रिंक करके गाड़ी चलाना, सब वही लड़के ज़्यादा करके नौजवान लोग। उनके माता पिता को यही कहना चाहेंगे कि आप पहले उनको दे दे गाड़ी देना नहीं चाहिए उनको, जब तक वो 18 साल के होते नहीं, 18 साल के होने के बाद उनको घर से निकल के उनको वार्निंग देना चाहिए कि गाड़ी का स्पीड इतना होना चाहिए, गाड़ी सेफ्टी कैसे चलाना उतना होना चाहिए, सब वो माता पिता को पूरा रूल उनको बता के बाहर निकलना चाहिए, पहले उनको रूल सिखाना चाहिए। बराबर, गुड गुड परफेक्ट। क्या ये प्रोग्राम काफ़ी बढ़िया प्रोग्राम किया है इन्होंने, स्टार्टिंग में लगा कुछ इतना दम नहीं रखा इस नाटक में, आफ्टर हाफ प्रोग्राम नाटक के बाद में बहुत इंटरेस्ट आने लगा लोगों को भी, और गाने और जो उन्होंने एक्टिंग किया उससे एकदम सब पब्लिक इंप्रेशन होने लगे, बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी कुछ उन्होंने ट्रैफिक सेफ्टी का उन्होंने इस नाटक के द्वारे पब्लिक को संदेश भेजा है, बहुत अच्छा लगा। ऐसा इधर ही नहीं सब जगह, ये ऑल बॉम्बे में हर डिवीज़न में होना चाहिए, ऐसे ही मेरी ख्वाहिश है, ऐसा मैं चाहता हूँ। सर, जो कॉर्पोरेट इनिशिएटिव है आशीर्वाद बाइक लाइन में, इसका अवेयरनेस क्रिएट करने
वाले लोग और ज्यादा आना चाहिए इस तरह के। हाँ, और कॉर्पोरेट लोगों को आना चाहिए, नो डाउट। ऐसे खुद से कंपनी लोग ध्यान देंगे इस बारे में तो वो अच्छे गिरे, और भी कंपनी है वो भी आ जाएंगे तो पब्लिक को नॉलेज भी मिलेगा और उनके एक कंपनी का प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग भी होगा। आई हैड मोर एवर टाइम 30 ईयर। कल सुमिता पाटिल थिएटर को स्थापित हुए 30 साल पूरे हुए, यानी कि 11 जनवरी 1989 से 11 जनवरी 2019। मैंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम ड्रग अवेयरनेस पर किया, लेकिन रिसेंटली मैंने जब जायज़ा लिया रोड सेफ्टी के बारे में तो मुझे यह एहसास हुआ कि ड्रग्स से और नशा करने से या गुटखा खाने से या शराब पीने से उतने लोग नहीं मरते जितने लोग रोड सेफ्टी नहीं और रोड ट्रैफिक के रूल फॉलो नहीं करने की वजह से या तो एक्सीडेंट होता है या देहांत हो जाते हैं। ऐसे काफ़ी सारे लोगों की हत्या होती है या फिर आदमी अगर बिस्तर पर पड़ा, जैसे हमने ड्रामे में बताया कि कोमा में चला गया। सर, बाप का जो सहारा था, बाप का जो कंधे से कंधा मिला के गृहस्थी का बोझ उठाने वाला था, वो सड़क पे पड़ा हुआ है, क्या होगा फिर? तो इसीलिए ये हमने अभी शुरू किया है और हम लोग गुजरात गवर्नमेंट के लिए 51 शो इसके कर चुके हैं और रोड सेफ्टी के हम चाहते हैं कि अगर एक दिन में मैंने एक शो किया और एक शो से 4 लोगों ने ये अहद किया कि हम ट्रैफिक के रूल फॉलो करेंगे, क्योंकि ये जो आज यूथ डे पे हमने क्यों किया, इसलिए कि आने वाला जो दौर है वो यूथ का ही है। सर, मैं बूढ़ा हो गया, हमारी उम्र हो चुकी, हमने अपनी लाइफ देख ली, आने वाला जो दौर है वो हमारी जनरेशन का है, तो मैं नहीं चाहता कि हमारी जनरेशन लंगड़ी लूली हो या कोमा में पड़ी रहे। सर, मैं तो देखिए स्पॉन्सर हो चाहे नहीं हो, मैं तो करता रहता हूँ। इस बार ऐसा हुआ कि जब मैंने आशीर्वाद से अप्रोच किया तो आशीर्वाद ने बोला नहीं नहीं ठीक है, आप अपने पल्ले से क्यों पैसा खर्चा कर रहे हो, जो भी आपके अखराजात हैं वो हम लोग देंगे। तो ऐसे लोग आगे आ जाते हैं तो हो जाता है, अदरवाइज तो भाई लोग को पता है हम लोग करते ही रहते हैं। यानी ये अंधेरी स्टेशन का अभी नक्शा बदल गया, मैं अंधेरी स्टेशन में उस जमाने से ड्रामा करता हूँ जब यहाँ पे सेब की गाड़ी लगा करती थी, पाव भाजी की गाड़ी लगती थी, पानी का टाकी था, वो जमाने से ड्रामा करता हूँ। अब आशीर्वाद जैसे कि ये नुक्कड़ नाटक से लोग बता रहे हैं, लोग जगा रहे हैं, जागरूकता लेके आ रहे हैं, तो सर आप भी कुछ ऐसा इनिशिएटिव करते हैं जैसे ट्रैफिक में कोई बंदा या लाइसेंस भूल जाता है या हेलमेट नहीं लगा है, तो उस वक्त आपका क्या माइंड होता है कि कैसे डेवलप करें लोगों को? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं आते हैं। हाँ, हम लोग उनको समझाते कि भाई ऐसा करने से क्या होगा, तो हमारे पास फोटो होते हैं, बैनर्स होते हैं, वीडियो क्लिप्स होते हैं, वो हम लोग उनको सब हाँ तो उनको बता दे। और ऐसा प्रोग्राम हम स्कूल में भी करते हैं और कॉलेज में भी करते हैं ऐसा, और रोड साइड में कभी टाइम मिला मेन जंक्शन में वगैरह भी ऐसा बैनर्स वगैरह लगा के हम लोगों को जागरूकता का प्रोत्साहन दिया। हाँ, तो जरूर और जितना भी डेवलप है, जितना भी और उनको आसानी से लोगों को मालूम पड़े, ऐसा सब ड्रामा के जरिए वो मालूम पड़ेगा। हर को पकड़ के आप तो बता नहीं सकते सब रूल्स, ऐसा ड्रामा के जरिए लोग खड़े होते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उनको भी एहसास होता है और वो उनके ऊपर उन बातों का असर होता है और वो भी जीवन में वो उस तरह के रूल्स फॉलो करने का कोशिश करते हैं वो। एक्चुअली स्पॉन्सरशिप मैंने मेरी कंपनी ने आशीर्वाद ने ही लिया था, और सबसे पहले आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यूसुफ जी हमारे साथ हमको अप्रोच किए इस चीज़ के लिए कि हम ऐसा इनिशिएटिव करना चाह रहे, तो फिर हमें लगा, हमने कंपनी से एडवाइस लिया कि ऐसा हम लोग करना चाह रहे, तो तुरंत क्योंकि हमारी कंपनी सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है, ऑल वर्ल्ड, ऑल इंडिया, पूरा सब जगह सोशल काज से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह के बहुत सारे हम लोग सोशल काज करते रहते हैं। जब ट्रैफिक की बात आई तो मैं तुरंत अप्रोच किया कंपनी में और कंपनी से अप्रूवल मिला कि नहीं, हम लोग को इसमें इनिशिएटिव करना चाहिए और हम लोग आशीर्वाद की तरफ से ऐसे आगे भी कोशिश करेंगे कि अगर अपने यूथ में अपने सारे जो लोग हैं, जो भाई लोग हैं, उनको अवेयर करने के लिए किसी हद तक हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। ये बहुत ही अच्छा है, हमारे ट्रैफिक से सीनियर्स लोग यहाँ पे हैं, तो हम लोग भी डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं मार्केट में कि ट्रैफिक में बहुत सारी चीज़ें घटित होती रहती है, कोई इधर उधर से ड्राइविंग करता है, कोई जिग जैग ड्राइविंग करता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें लोग समझ नहीं पाते, तो ये एक माध्यम है ये कुछ लोगों जो जहाँ तक ये पहुँच पाए उनको अवेयर कर सके, तो ये नाटक के माध्यम में और सब लोग के साथ हम लोग इसके लिए यहाँ पे आए हुए हैं।
नहीं, आज का जो प्रोग्राम हुआ है ये बहुत ही काबिले तालीम है कि अपना जितना आज जो बसेस जो बंद है और बसेस से जो प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को, और उसके लिए जो आज हमारे जो पुलिस ऑफिसर भी जिधर उधर इनके जितने भी सिपाही हैं इन्होंने लगाए, आज ट्रैफिक का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ट्रैफिक वाले लोगों ने भी आज हमारे साथ में मिल के ये प्रोग्राम किया है। और जो हम युवा प्रेरणा के लोग हैं, जैसे हमारे युवा प्रेरणा के सब मेंबर्स हैं और ये हमारे युवा प्रेरणा के सचिव और ये हमारे देवा भाई है, ये शमीर भाई है, इन लोगों ने हमारे साथ में ये अभी हम लोगों का कल एक मेडिकल कैंप है जो कि हम लोगों को फ्री दवाई और जो भी गोर गरीब है हम उन लोगों को दवाओं का एक मेडिकल कैंप रखा हुआ है कि हम बांटने। और ये हमारे यूसुफ भाई है जिन्होंने हमारे को इधर पे बुलाया, इनवाइट किया, और यूसुफ भाइयों के जैसे हम ये प्रोग्राम देखने आए। और यूसुफ भाई हर टाइम ये करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। मैं तो बोलता हूँ अल्लाह से ये दुआ करूँगा कि हमारे यूसुफ भाइयों को और उम्र दराज करे और ऐसे अच्छे प्रोग्राम करें। शुक्रिया। आज की तारीख में हम युवा पीढ़ी का ऐसे बोलते हैं क्योंकि युवा पीढ़ी आज सब जगह पे उसका जो काम है तो हम लोग को ही करना पड़ता है क्योंकि उनका कोई भी काम करने के लिए जो भी घर से निकलते हैं कोई सोचते नहीं है। उसके लिए हमने सोचा है कि युवा के लिए जन जागृति करके ये सब जो रोड में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उनको घर को तो कुछ मालूम नहीं रहता है, घर में जाते हैं माँ बाप को क्या कुछ मालूम भी नहीं रहता, अपना बच्चा गाड़ी चला रहा है कि नहीं चला रहा है। तो हम लोग को ये सब युवा के जन जागृति हिस्से हम सबको जानकारी देते हैं कि अपना घर में बच्चों को किसी को भी जब भी गाड़ी देते हैं तभी उनको बोलना चाहिए कि ये गाड़ी कैसा चलाना है, रोड पे कैसा चलाना है, ये सब मालूम होना चाहिए। और जो भी आदमी अभी कोई भी लड़का गाड़ी चलाता है तो उसका 18 साल उम्र होने के बावजूद उन्होंने जो गाड़ी का लाइसेंस आते हैं तो अच्छा सीखने के बावजूद गाड़ी चलाना चाहिए, उसके पहला गाड़ी हाथ में नहीं ले जाना है और परिवार में भी देना नहीं चाहिए। ऐसा हम लोग युवा पीढ़ी के लिए जन जागृति कर रहे हैं, सब जगह पे हम लोग यही बोल रहे हैं। और हमारा जो प्रोग्राम रहते हैं सब जगह कि कोई भी मेडिकल काम बोलो कोई हॉस्पिटल का काम रहते हैं तो युवा पीढ़ी हम लोग आगे जाके उनको सपोर्ट करते हैं, सब जगह जाके उनको बोलते हैं कि आप देखो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमको बोलो, हम भी वहाँ पे आपको कोई भी गाइडेंस देते हैं। इसके लिए युवा का ये काम है और युवा अपने सब युवा कर रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद चाहता हूँ।